नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए, हम इन्हें जब हलवाई के यहाँ से लेते हैं तो हमें बहुत ही महंगे पड़ते हैं। अगर आप इन्हें घर पे बनाएंगे तो बहुत ही कम लागत के साथ ये तैयार हो जाते हैं। तो आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए हैं। आप इसमें से कुछ भी निकालना चाहे, अवॉइड करना चाहे, तो वो ड्राई फ्रूट्स ना डालें। अगर न्यू मदर को बना रहे हैं तो ज़्यादातर नारियल नहीं डाला जाता है, तो आप नारियल अवॉइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कप बेसन भी ले लिया है और आटे का भी यूज़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि लड्डू हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें ली हैं और बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो सबके घरों में मिल जाती हैं। तो ये देखिए, देसी घी में हम गोंद को भून लेंगे। आप देसी घी को मेज़र करके ही लें। बहुत ज़्यादा घी कई लोगों को नहीं पसंद है, ख़ास करके मुझे भी नहीं पसंद है, तो हम घी का यूज़ कम ही करेंगे और इस तरीके से प्रोसेस बाई प्रोसेस चीज़ों को भून लेंगे। इससे क्या होता है कि जो इसमें कच्चापन होता है वो निकल जाता है और लड्डू हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए, मैं आटे को भी भून लूँगी एकदम मीडियम फ्लेम पे। इससे मैंने आटा मेज़र कर लिया है। आप किसी भी चीज़ से मेज़र कर सकते हैं और हल्के हल्का कलर बदलता रहता है आटा। देखो, अपना कलर बदल रहा है। तो आप बेसन और आटे को भून कर अच्छे से लेंगे तो उसमें कच्चापन निकल जाएगा। अब ये जैसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो जाएंगे, हम उन्हें खलबत्ते में कूट लेंगे और दरदरा रखेंगे, जिससे कि खाने में भी अच्छे लगेंगे। और मैंने इस तरीके से एक बड़ी सी जो परात बोलते हैं, थाली, उसमें से चीज़ों को निकाल लिया है ताकि ये ठंडे भी हो जाएं और मिलाने में आसानी रहे। तो अक्सर आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स के जब भी लड्डू आप लेंगे, बहुत ही कॉस्टली पड़ते हैं, पर अगर आप घर में बनाकर खाएंगे तो एक तो घर के बने रहते हैं, हमें पता रहता है कि कितने प्योर हैं, और ऊपर से महंगे भी नहीं होते हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम चीज़ों को अच्छे से पहले मिला लेंगे, ताकि जब भी हम इसमें कुछ लोग चीनी डालते हैं, कुछ लोग मिश्री डालते हैं, मैं यहाँ पर देसी गुड़ जो खांड आती है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा उसे पहले थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे और इस तरीके से उसके मेजर के अनुसार हम डाल के थोड़ा थोड़ा करके हम बांधते जाएंगे। ये जितने बांधने में भी आसानी रहती है उतने ही खाने में बढ़िया रहते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को, क्योंकि गोंद की भरपूर मात्रा है तो ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। और अगर आपका मन करे तो आप इसमें खोया डाल सकते हैं, पर उससे क्या है कि ये इनकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, ये रुकेंगे कम। तो खोया कोशिश करें ना ही डालें तो ठीक है। बाकी ये देखिए कितनी आसानी से, आराम से मुलायम मुलायम लड्डू बन जा रहे हैं। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने साइज़ के अनुसार आप बांध सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं उसी तरीके से लड्डू तैयार हो गए, और ये आपके 600 से 800 के किलो वाले लड्डू घर में ही बन गए। तो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।